Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School Kalayat. तो हम 9th क्लास में 4th चैप्टर है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. आज हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन का, ठीक है. तो सबसे पहले तो देखिए आपको ड्रॉ करने के लिए ग्राफ को मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. ये जो पिछली वीडियो जो आपकी जो यूनिट है थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें भी मैंने लास्ट में ये टॉपिक करवा दिया था, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, मान लो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है. इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. अब सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट स्टेप आपकी, ध्यान रखें आपको ना सॉल्यूशन निकालने हैं इनके. पिछली वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है. तो आपको ये सॉल्यूशन निकालने हैं और वो जो सॉल्यूशन आएंगे एज ए कोऑर्डिनेट्स आपको रखने हैं उनको, ठीक है. कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रखने हैं आपको, जो हम एक्स को वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं ऐसे लिखने हैं. और एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो ना लीनियर इक्वेशन का, तो कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं आपको. मतलब कम से कम दो एक पेयर लेना है सॉल्यूशन का, दो होने चाहिए, ठीक है. दो से ज़्यादा भी ले सकते हो लेकिन मिनिमम दो तो होने ही होने चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे टेबल बना लीजिए. यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखें या वाई की. अब जो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, अब आप कुछ भी रख सकते हैं एक्स की वैल्यू. हमने मान लिया लेट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो आप इसमें से थोड़ा इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको उधर ले जाओ 4 माइनस एक्स. मतलब आप एक वेरिएबल को, ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म ऑफ सेकेंड वेरिएबल, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है. अब आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो 4 माइनस 0 4, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई. तो एक्स जब 0 था वाई 4 आया, तो एक्स जब 0 था वाई कितना आया, 4 आया, ठीक. अब एक्स की वैल्यू कुछ और पुट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 4 है, तो एक्स की जगह मैं 4 पुट करूँ तो वाई कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 0. तो एक्स अगर 4 है वाई क्या हो जाएगा, 0. तो हमारे पास जो वैल्यूज आई 0 4 4 0, तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन आर 0.4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, तो 0.4 एंड 4.0. ये मैंने दो बनाए हैं सॉल्यूशन. आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, कि इतने सॉल्यूशन बनाने, तो आपको उतने ही बनाने हैं. जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में आपने देखा था 4 सॉल्यूशन पूछे गए थे. लेकिन अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ के लिए तो कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए. 3 भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एनर्जी भी वेस्ट हो गया आपकी और टाइम भी. 2 सॉल्यूशन रखे हैं बस, ठीक. अब आते हैं हम ग्राफ पे. ग्राफ के लिए क्या करना है आपको, ध्यान दो. सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे हम, एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव में हो गए ये वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक. मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ग्राफ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है. बाकी आप ग्राफ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको. ग्राफ के लिए आपको बहुत इजी रहेगा क्योंकि जो हम यहाँ मार्क्स लेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो हम एक रेगुलर उस पे ले लेते हैं, लेकिन आपको फेयर वर्क करना है, ठीक है, स्केल से करना है. और दूसरी चीज़, ग्राफ पेपर पे करें तो बहुत बढ़िया है. तो ग्राफ पे आपको, बीच में आपने ग्राफ पे देखा होगा
स्लोट्स होते हैं बीच में, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग गैप ले लीजिए इनके, तो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4 ऐसे लेंगे हम। एक्स हो गया वाई, 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2, -3 और -4। तो ये आपके जो एक कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल देते हैं, वो बना लिया हमने, ठीक। अब आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं इसमें, ठीक है। हम कर चुके हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए 0, 4 एक्स 0 है, वाई 4 है, एक्स ये ओरिजिन होता है, एक्स 0 है, वाई 4 आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हो गया 0, 4, ठीक। अब आपको सेकंड पॉइंट आ जाइए 4, 0, तो एक्स 4, एक्स तो 4, वाई 0 तो यहीं पे रहेगा, ये जो पॉइंट हुआ वो हो गया 4, 0। अब आपके पास दो पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं, 0, 4 और 4, 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ लाइन इंटरसेक्टिंग दीज टू पॉइंट्स। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों पॉइंटों को काटे, मतलब इन दोनों को आपस में मिला दो, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप स्केल से करेंगे, ठीक है, मैं बिना स्केल के कर रहा हूँ, आपको स्केल से ड्रॉ करनी, ऐसे एक लाइन बन गए, ठीक। और साइड आप यहाँ पर एरो जरूर लगा दें क्योंकि आगे तक एक्सटेंड हो रही है, और ये हो गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ, आपको सबसे पहले तो टेबल बनानी है ऐसे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी आप एक्स की वैल्यू रखें या वाई की रख दें, कोई जरूरी नहीं आप पहले एक्स की रख रहे हो, वाई की रख दीजिए, एक्स की आ जाएगी, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन में सबसे पहले स्टेप होती है कि वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स को उधर ले जाइए, ठीक है। अब आप बारी बारी से एक्स की वैल्यू रखते रहें, एक्स को 0 रखो, 0 रखोगे तो 4 - 0, 4 वाई 4 आ जाएगा, एक्स को 4 रखिए तो 4 - 4 वाई 0 आ जाएगा, 1 रखिए तो 3 आ जाएगा, -1 रखिए 5 आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आप दो वैल्यू रखें सिर्फ, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं एक और वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू 2 रख देता, तो एक्स की वैल्यू 2 रखता तो वाई भी 2 आता, तो ये 2, 2 यहाँ पे बनता पॉइंट। तो आप सोच देखिए कि अगर आप इस पॉइंट की बजाय ये दोनों पॉइंट ले लेते तो तब भी तो लाइन तो यही जाती। तो आप कितने भी पॉइंट ले लीजिए, इनफाइनाइट पॉइंट ले लीजिए, वो इस लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट्स रखें, उन दो पॉइंटों को आपस में मिला के लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक। तो अब जो ये नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप लिख दीजिए 2, 2 अगर आप ये पॉइंट्स ले रहे हो, ठीक है, इनको ड्रॉ कर दीजिए। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें आप 0, 4, 4, 0, और आप पढ़ चुके हो पिछली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, वैसे ही आपको फिर एक ग्राफ ड्रॉ करना है और उसमें इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए। दो पॉइंट ले लीजिए, दोनों को आपस में मिला लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी जो वर्कशीट मिलेगी आपको, उसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको घर पे करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, फिर जैसे भी होगा हम वीडियो बनाएंगे, जैसे भी उसको रेक्टिफाई करेंगे।
ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।